संत के जीवन, उनके विचार और चिंतन से श्रावक को प्रेरित कर सत्संग का लाभ देने हेतु प्रस्तुत है श्रीफल न्यूज का सत्संगी प्रयास संत वाणी। Hey, everything is also present here. यहाँ है, हम उसे नकार नहीं सकते, एक्सेप्ट करना सीख जाएं। तो महाराज जी, आप मुझे फंसाते जा रहे हैं, जिम्मेदारियां सौंपते जा रहे हैं। अब मेरा तो बुढ़ापा है, चश्मा लगा के बात करूं, आपको तो चश्मा भी नहीं लगता, मुझे तो सहारा लेना पड़ता है इसको आपको पहचानने के लिए। आपकी साधना और इससे भी ज्यादा गहरी हो, आपने सन्मति सागर जी का दामन थामा है। और एक ऐसे आचार्य आचार्य सन्मति सागर जो आगम के अनुरूप चलते हैं, ना तेरा है ना मेरा है ना बीस है और ना सिर्फ एक सत्य मार्ग दिखाकर के गए साधना के माध्यम से। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस धरा पर उस आचार की पूर्ति अभी कोई नहीं कर सकता। और प्रसन्न सागर जिस मार्ग पर चले हैं तो ऐसा लगता है कि दूसरा सन्मति सागर पैदा हो गया। शायद उनकी चेतना इनके अंदर अवतरित हो रही या उनकी प्रेरणा इनके अंदर विद्यमान है जो आज इस रूप में प्रस्तुत हुई। नहीं देखा हमने शांति सागर जी को, नहीं देखा हमने महावीर कीर्ति जी को, नहीं देखा हमने वर्धमान को। मेरी माँ ने कहा कि सुशील बन जा मुनि, बन गए। माँ कह रही तो बन गए, लेकिन आज एहसास होता है कि जहां साधना भी है एक, वक्तव्य शैली भी है दो, और मिलनसारता भी है तीन। ये तीन गुण एक साथ व्यक्ति में मिलना बहुत दुर्लभ है। और मुझे लगता कि पुष्पदन तो भूत बलि हुए थे, लेकिन आज वर्तमान में अगर ये जोड़ी है तो मेरे ख्याल से भारत के भूगोल को बदल देगी, तुम्हारे जीवन के भूगोल को बदल देगी। तुम स्वार्थी हो, जब इनका नाम लेता हो तभी जयकारा बोलते हो। आपके हैं महाराज, प्लीज तुम्हारी मुस्कुराहट पे मेरा दिल आता है, जयकारा बोलते तो मैं भी मुस्कुराता। ये बटरंगबाजी होगी जरूर। बंधुओं, ये सब कुछ जो महाराज जी ने अर्पण किया है ये ना हमारा है ना आपका है, एक सेवा तीर्थ जो भारत की अस्मिता और जनक की अस्मिता को आकाश की ऊंचाई तक ले जाना चाहती है, वो मानवता के लिए सारी चीजें प्रस्तुत की गई है। धन है कि ऐसा भी शिष्य पैदा हुआ इस देश में जो खाली मानव सेवा के लिए समर्पित हुआ, जिसने मूल्यांकन किया। अभी इंदौर में था, एक ऐसी भी हमारे सामने घटना घटी कि एक बहुत बड़े आचार्य के शिष्य ने जाकर के सीमंदर स्वामी के चरणों में जबरन हाथ रख के नमस्कार कर दिया, आशीर्वाद लिया और ये घोषणा कर दी कि मैं आचार्य बन गया। ऐसे भी शिष्य, एक वो शिष्य जो आप सबसे लाते और कहते कि गुरु जी उस मेरी जनत की एक पहचान बन जाए और जब कभी भी मानव सेवा का नाम उठे तो मदर ट्रेसा की जगह पुष्परी का नाम उठे। एक इतिहास प्रसन्न सागर जी महाराज जो लिख रहे हैं स्वर्ण अक्षरों में, आपने अभी तक ताम्रपत्र के सब चीजें देखी होंगी, लेकिन पहला अवसर है कि किसी एक मुनि ने वर्ष सदी सतयुग त्रासयुग द्वापर युग ला करके खड़ा कर दिया कि नहीं, आज भी स्वर्ण से लिखे जा सकते हैं और हमारे पैसे का मूल्यांकन हो सकता है, कीमत नहीं, मूल्यांकन। ये मूल्यांकन है
और पत्नी के लिए लाना कंगन बनवा के, वो कीमत है, पत्नी की कीमत एक कंगन की है। ये मूल्यांकन है सदियों सदियों तक युग दोहराता रहेगा। और जब ये इनके अवशेष शेष रहेंगे, वो कहेंगे स्वर्ण भक्तांबर हमारे पास रखा हुआ है। छोटी सी घटना के बाद पूरी कर रहा हूं। बॉम्बे में एक स्वतंबर जैन है, उनके पास भक्तांबर और कुरान शरीफ सोने से लिखी हुई। बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं मुझसे। मैं उनके यहाँ गया, उनके पूरे घर में करोड़ों रुपए के रत्न रखे हैं, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े भी हैं। बोले आपको जो पसंद हो। मैंने कहा आपके घर की शोभा है, मैं किसी भक्त को दे दूंगा, आपके घर में अच्छे लग रहे हैं। उनके यहाँ उन्हीं के समाज के एक मुनि पहुँचे, उनके चरणों में गिर गए, पाँव पकड़ लिए। मुनि एक सरोवर के चरणों में गिरा है, बोले मुझे ये दे दीजिए आप स्वर्ण भक्तांबर। उन्हें रोते हुए कहा कि नहीं दे पाऊंगा। मुनि ने पांव, एक घंटे तक मुनि उनके पांव पकड़ के लेके रहे। अंत तो कहा, तो ने कहा महाराज ले जाओ, ये अभिशाप है मेरे लिए कि एक साधु मेरे चरणों में झुक रहा है और मैं उससे मोह कर रहा हूं। मूल्यांकन किया उन्होंने। ये मूल्यांकन हमारे अंदर भी हो सकता है, संभव है। आज जो कुछ भी आपने देखा समझा, आप भी जुड़े मानव सेवा से, जिन समाज की अस्मिता को आकाश तक लेकर के जाएं, हर दर्द को अपना दर्द समझें और हर पीड़ा को सहलाएं, और हाथ में खाली रुमाल ना रखें, दिल के अंदर रुमाल से भी ज्यादा करुणा को रखें। अगर किसी के आंसू टपक रहे हो तो उसे जाकर के सहलाने की कोशिश करें और हमदर्दी दिखाने की कोशिश करें, तो हर मानव पुष्पी की तरह बन जाएगा। मैं आनंदित हूँ, गदगद हूँ, साथ में दुखी भी हूँ। इन बातों बातों में जाने की बात करती है। वो आए थे मेरे घर, सोचा था कि जाने नहीं दूंगा, लेकिन थोड़ा सी बानगी दे करके लॉलीपॉप पकड़ा के वो मुझे जा रहे हैं। अरे शेर के मुंह में चॉकलेट पकड़ा दी, कितने जल्दी फुसला लिया मुझे, और धीरे से बोल दिया कि भाई साहब, और जल्दी से समेट लिया। बोलने का समय आया, प्रवचन दो दो तीन तीन चार चार मिनट में समेट लिया अपने अपने, और मुझे यहां रख दिया। समय हो रहा है इनकी साधना बढ़े, तब बढ़े, प्रज्ञा जागृत हो। देश में एक समय ऐसा है कि इनकी साधना, इनकी चरित्र को सारा जग, जैसे शांति सागर जी का स्मरण करता है, सन्मति सागर जी का स्मरण करता है, अब इनका भी स्मरण करे। और ये जोड़ी सदा कांटों की बनी रहे, और ये मशीन इनको ऊर्जा देती रहे, और समय का ज्ञान आपको होता रहे। फिर वही बात दोहराते हुए, मेरा कुछ नहीं, जिम्मेदारी सौंपी है जब तक हूँ, इसके बाद कांटे अपने नंबरों का ध्यान रख के खिस सकते रहे और एक एक समय को बताते चले रहे। बस यही जिंदगी है, यही सब कुछ है। आप सब लोगों ने बहुत कुछ दिया है, मैं आनंदित हूँ। आज इतनी ठंडी में आप यहाँ बैठे हैं अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ करके, ये आपका बड़प्पन है, यह आपका समर्पण है, यह आपकी पूजा है, आपकी भक्ति है। आप फूले फलें, सत्मार्ग से जुड़े रहें। ओम नमः, सबको क्षमा, ओम नमः।